ये है एसके हाइनेक का हार्डडिस्क, देख सकते हो एसके हाइनेक्स। और ये है 960 GB साटा। तो ये 960 GB मतलब ये जो SSD है, ये है SSD, सॉरी हार्ड डिस्क नहीं। तो ये जो SSD है ये बहुत ही महंगा आता है, जो कि सर्वर मशीन में ये यूज़ होता है। अभी इसका प्राइस लगभग 24,000 मतलब 24,000 के आसपास ये है। और ये इंटेल का भी एक इसी सीरीज़ में आता है। तो ये सर्वर के लिए यूज़ होता है, सर्वर सिस्टम के लिए ये SSD यूज़ होता है। तो अभी देखो इसमें नो डिटेक्ट का इशू है, और फर्स्ट टाइम ही मैं इसे देख रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम मतलब ये आने के बाद ही देख रहा हूँ, कुछ भी अभी किया नहीं इसमें, और डायरेक्टली एक वीडियो बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। अगर ये बन जाता है तो वीडियो मिल जाएगा, और नहीं बनता है तो वीडियो तो नहीं आएगा, डिलीट हो जाएगा वीडियो। तो डोंट वरी, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इसको पहले मैं एक बार इसको ओपन करने के लिए इसको ये एक कन्वर्टर में यूज़ करता हूँ, इसको लगा के मैं दिखाता हूँ, ये डिटेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्टर है, ये मैंने मेरा जो एक्सटर्नल यूएसबी का यूएसबी हाब है उसमें मैं डालता हूँ, ये डाल दिया। अब एक सेकेंड, तो ये देखो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है यूएसबी में, और एसएसडी कनेक्ट है। पर क्या है इसमें, जो यहाँ पर मेरा एक एक्स्ट्रा ड्राइव होना चाहिए पी ड्राइव करके, ओ ड्राइव, सॉरी ओ ड्राइव करके, ओ ड्राइव करके एक ड्राइव आना चाहिए, पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। तो यहाँ पर एक रेस्पॉन्स मिला था, पर टोटल सिक्योरिटी का है ये, पर कोई भी, पर ये मेरा देखो कनेक्टेड है पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। और इसमें कोई मोटर वगैरह है नहीं, जो घूम रहा है कि नहीं पता भी नहीं चलेगा। तो पहले हमें इसे डिसेम्बल करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसमें दिक्कतें क्या है, ठीक है। तो बने रहो, देखते हैं। तो भाई इसको मैं पहले डिसकनेक्ट कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो ये है हमारा SSD। तो इसको ओपन करने के लिए मुझे आपको एक चाहिए ओपनर, और इसको कैसे ओपन करना है आप देखो ठीक से, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। इसको ये जो चारों साइड है, इसको चारों साइड से इसको थोड़ा सा हल्का करना है, ऐसे ऐसे करके लूज करके ऊपर में डालना है। ये डाल रहा हूँ मैं अभी। और इसका जो बॉडी है ये टोटल ही एल्युमिनियम का बॉडी है, और ये मेटल बॉडी है, और ये बहुत ही वेटी है। नॉर्मल SSD का वेट लगभग 20 ग्राम से 30 ग्राम के अंदर आ जाता है, पर ये मतलब लगभग 100 ग्राम का होगा, बहुत ही वेट है इसमें, क्योंकि ये टोटली एल्युमिनियम का पार्ट का है ये, और ये मेटल बॉडी का है। तो ऐसे करके आपको ओपन कर लेना है SSD को, कोई भी SSD हो ऐसे ओपन होता है, इसे धीरे धीरे करके ऐसे ओपन कर लो। अभी भी हुआ ना, हाँ हो गया। तो इस साइड में थोड़ा सा ये देखो, ये ओपन हो चुका है। तो इसको मैं रख देता हूँ साइड में, ये जो कवर है इसको रख देता हूँ। और ये है हमारा SSD। तो इसके ये हो गया हमारा SSD। अब ये है हमारा मेन माइन बोर्ड, और इसका इसको मैं अगर उठाऊं तो इसके नीचे और एक पैड है, तो इसको भी साइड कर देता हूं। तो ये हमारा है मेन बोर्ड। अभी देखो इसमें 1 2 3 4 5, ये जो 1 2 3 4 5 जो चिप देख रहे हो, इसमें ये EMMC चिप है। इसमें सारा जो डेटा रहता है, ये डेटा सारा डेटा जो मतलब 960 GB करीब है, 960 GB करके है ये सारा डेटा इस 5 IC में स्टोर होता है, 1 2 3 4 5। बाकी यहाँ पर दो, यहाँ पर ये एक मेन IC है, ये इसको कहते हैं ये माइक्रो कंट्रोलर IC है, इससे सारा बोर्ड कंट्रोल होता है। और भी कुछ IC है पर इसके ऊपर मैंने PhD नहीं करके रखा है, उतना नॉलेज नहीं है भाई। तो मैं सिंपली देख रहा हूँ इसमें क्या है, कोई बांड है या फिर कुछ शॉर्टिंग है कि नहीं, क्योंकि मैं इसको लेके ज़्यादातर काम नहीं करता हूँ SSD का।
तो नॉलेज ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है मीन्स मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सिंपली इसको देखूँगा और इसमें कोई हीटिंग इशू है कि नहीं या फिर कोई कंपोनेंट शॉर्ट है कि नहीं, बस मैं वही चेक करूँगा। अगर शॉर्टिंग है, हीटिंग इशू है, तो मैं देखूँगा कुछ किया जा सकता है कि नहीं। अगर होता है तो ही वीडियो आएगा, नहीं तो अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो वीडियो ही मैं डिलीट कर दूँगा। डोंट वरी, इतना तक भी सुनने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और अभी थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा स्टैंड को। तो ये मैंने फिर से डाला और ये फिर से मैंने कनेक्ट किया और मुझे बस देखना है कि इसमें कुछ हीटिंग वगैरह है कि नहीं। तो इसमें कनेक्ट हो गया पर कोई भी डिवाइस अभी तक शो नहीं किया। हाँ, हीटिंग, ये जो मेन चिप है यहाँ पर, थोड़ा हीटिंग, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही हीटिंग है। हीटिंग है इसमें, ठीक है। हाँ, हीटिंग है। तो मैं दिखाता हूँ ये ऑब्जर्व कर पाएगा कि नहीं। हाँ, ये देखो हीटिंग है। ये देखो बीच में ये थोड़ा थोड़ा करके मतलब ऑब्जर्व हो रहा है बीच में, बहुत ज़्यादा हीट नहीं है। पर यहाँ पर सेंटर में देख सकते हो, ये कैमरा में नहीं आ रहा। ये देखो सेंटर में जो है, ये जो मेन चिप है माइक्रो प्रोसेसर, ये जो है माइक्रो कंट्रोलर, इसी से ही हीट हो रहा है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारा यही आईसी खराब हो। तो इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो देखो हीटिंग हमारा इस आईसी से हो रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यही आईसी खराब हो। पर कभी कभी कुछ कुछ केस में यही खराब ही आ जाता है। पर हमको चेक करना है कि इसके आसपास में कोई भी कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट मींस एसएमडी कैपेसिटर, ये शॉर्ट कैपेसिटर ही होता है, या फिर छोटा मोटा कुछ आईसी वगैरह शॉर्ट है कि नहीं, वो ही चेक करना है। तो बने रहो, मैं देखता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे बस चेक करना है यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर शॉर्टिंग है कि नहीं, क्योंकि ये हीट, अगर एक भी कैपेसिटर शॉर्ट है इसमें, तो ऐसा इशू आए, हीटिंग इशू आएगा। तो मिल चुका है, तो मुझे कल्पित मिल चुका है, एक कैपेसिटर जो है ये वाला शॉर्टिंग दिखा रहा है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो शॉर्ट है कि नहीं। और इसका पीछे में बहुत छोटा 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 कंपोनेंट है। नहीं, ये शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, क्योंकि हीटिंग इशू हमारा इस एरिया में है, ठीक है, मतलब बोथ साइड में है, ऊपर में भी नीचे में भी। हाँ नहीं, एक सेकेंड, नहीं ये शॉर्ट नहीं है, ये वोल्टेज को ले रहा था। ये शॉर्ट नहीं है,
वैसे तो कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आईसी ही ख़राब है इसका। इसका जो माइक्रोचिप है वही में भी ख़राब हो सकता है। तो इसको क्या है, अगर यही चिप ख़राब है आपके केस में, कभी भी आ जाए आपके पास कोई एसएसडी आप देख रहे हो, तो ये चिप अगर ख़राब है तो ये चिप ऑनलाइन में मिलता है, और ये बॉलिंग आईसी है। इसको अगर लगाना है आपको तो इसको टेंसिल से बॉल रिवॉल्व करके फिर लगाना पड़ता है, ठीक है। न्यू आईसी को बॉलिंग करके फिर लगाना पड़ता है। तो देखो, वैसे तो ज़्यादा मैं इसमें कुछ अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये अगर मुझसे नहीं हो पाएगा तो किसी अदर जगह पे भेजा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक डिवाइस है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डेटा भी है। और तो देखो, मैं ऐसा कुछ करूँगा ताकि ये रेडी ना भी हो तो ख़राब नहीं होगा, दूसरे किसी बंदे के पास जाएगा जिसके पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको रेडी करने का, वो आराम से रेडी कर देगा। तो सिंपली मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे सिंपली इसको थोड़ा सा रिफ्लो करना है एक बार विदाउट पेस्ट के, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको एक बार ड्राई हीट कर लूँगा हल्का फुल्का सा, ठीक है। तो मैं 350 डिग्री पे, मेरा SMD सेट है, तो मैं 350 डिग्री पे इसको इस पोर्शन में थोड़ा सा रिफ्लो करूँगा, मतलब हीट अप करूँगा, ठीक है। मेनली ये जो मेन माइक्रोचिप है इस पे, ठीक है। बहुत ही हीट है, इसको यार थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। बस इतना ही, इससे ज़्यादा अगर मैं करूँगा तो मे बी ये चिप टोटली ख़राब हो सकता है। तो मुझे बस थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं, पर जितना हिसाब से मैंने किया। तो अभी इसको ठंडा थोड़ा सा कूल करेंगे, उसके बाद एक बार मैं लगा के देखूँगा। कभी कभार होता है इसके अंदर ड्राई सोल्ड होता है, ठीक है। ये जो चिप है, ये बॉलिंग चिप में यही एक इशू होता है, चाहे लैपटॉप का हो, डेस्कटॉप का हो, हार्ड डिस्क का हो, जिसका भी हो। बॉलिंग चिप में कभी कभार ये सिंगल बॉल्स में भी अगर कार्बन रस्ट डस्ट वगैरह आ जाता है, सल्फर वगैरह, तो भी ये हिट भी होता है कभी कभार। कभी कभी कुछ कुछ केस में आपको हिट नहीं मिलेगा, पर मेरा इस केस में हीटिंग है थोड़ा सा। पर आपके केस में हीटिंग ना भी हो, पर आप इसको थोड़ा सा रिफ्लो अगर करेंगे इस टाइप का, अगर सेम SSD हो, अलग SSD में अलग सर्किट होता है, ठीक है। अगर आप सेम SSD पे सफरार हो, अगर प्रॉब्लम में पड़े हो, तो आप सेम एक बार अप्लाई करके देखो। अगर नहीं हुआ तो जो स्पेशलिस्ट है इसका, जो इसके ऊपर ही काम करते, मतलब जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, BGA वगैरह सब कुछ है, IC का स्टॉक है, आप चाहे तो उनके ऊपर हैंडओवर कर दो। ज़्यादा छेड़खानी मत किया करो, और भूल कर भी यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 चीप आपको दिख रहा है, इनमें भूल कर भी हीट मत किया करो। क्योंकि अगर ये IC मैंने ज़्यादा हीट करके ख़राब भी कर देता, अगर आपके हाथ से भी ये IC ख़राब भी हो जाता तो भी ठीक है, क्योंकि इसका मेन डेटा 1 2 3 4 5 चिप में ही रहता है। अगर
ये बंदा जिसका SSD है, वो बंदा अगर चाहे तो मेरा डेटा चाहिए, तो ये चिप निकाल के इसका डेटा रिकवर हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा टेक्नोलॉजी इंडिया में भी है, ठीक है। तो भूल कर भी इस चिप में ऐसा, अगर ऐसे टाइप के बड़ा वाला चिप देखे कोई SSD में, ऐसा बड़ा वाला ही चिप आता है SSD में, तो उसमें हीटअप मत किया करो, ठीक है, कभी भी भूल कर भी। तो बाद में इसके चक्कर में आपको जेल भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऑफिशियल कोई डेटा है गवर्नमेंट का तो आपको जेल भी हो सकता है। तो देखो अभी तो मैंने ये ठंडा हो गया, तो ऐसे ही एक बार कनेक्ट करके देखता हूँ क्या कुछ कुछ भी है कि नहीं, जो भी हो रहा है सामने ही हो रहा है, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं हो रहा। अगर डिस्प्ले आएगा मतलब ये लोड लेगा तो अभी सामने ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो मैंने पावर दिया, मतलब मैंने कनेक्ट किया, ये है SSD और ये मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें, अभी देखते हैं हीटिंग का इशू है कि नहीं। हीटिंग इशू अभी तो हीट ये बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है पहले जितना हो रहा था, पर ड्राइव भी अभी तक नहीं आया, पर हल्का फुल्का हीट हो रहा है, हल्का फुल्का हीट हो रहा है। एक सेकेंड, ये 2 नंबर पे लगाता हूँ, पहले भी 2 नंबर पे था क्योंकि 3 नंबर पोर्ट मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो लगाया और हीटिंग हीटिंग इशू नहीं है अभी, जो है हीटिंग इशू नहीं है, पर देखो सक्सेसफुल मेरे ख्याल से हो गया, ये ऑटोमेटिकली ड्राइव आया और ओपन हो गया, ये क्लियर हो जा भाई, ये देखो तो मेरे ख्याल से काम बन गया। ये देखो काम बन गया, ये एक फ्रेश ड्राइव है जो कि अभी भी ओपन हो गया कैमरा उठाने से पहले ही। ये देखो पी करके एक आ गया न्यू वॉल्यूम, जो कि मेरा एन तक एंड था पहले मैंने दिखाया, तो ये देखो 894 GB का है ये, ठीक है। तो यही है वो SSD, मतलब यही SSD। और इसको अगर हम डिवाइस मैनेजर पे जाके देखेंगे तो देखो यही SSD सपोर्ट किया हुआ है, अभी पता चलेगा। डिस्क मैनेजर मैनेजमेंट, और ये लाइट थोड़ा सा जल्दी हो जाए, ये देखो ये देखो ये कहाँ गया, ये है मेरा SSD, ये है 2 TB हार्ड डिस्क, इसके नीचे है, कहाँ गया भाई कहाँ गया, उतर जा। हाँ ये देखो ये ले लिया, ठीक है, ये बेसिक डिस्क 3, ये देखो न्यू वॉल्यूम पी ड्राइव 894.25 GB ऑनलाइन है, ये SSD ले लिया है। तो यही है वो SSD, अभी देखो इसको मैं रिमूव कर दूंगा, मतलब यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो ये ड्राइव चला जाएगा, ये देखो रिमूव कर दिया, देखो चला गया, मैंने यहाँ से रिमूव किया, ये देखो रिमूव कर दिया तो ये ड्राइव भी चला गया। तो मतलब हमारा सक्सेसफुल रिपेयर हो चुका है, मतलब ये मेरे ख्याल से ये छोटा मोटा रस्ट या फिर सल्फर था जिसकी वजह से ये क्लियर हो जा भाई। ये देखो ये पी ड्राइव जो था वो चला गया। तो फिर से हम दोबारा इसको कनेक्ट करेंगे, तो स्टैंड पे रखता हूँ, दोबारा इसको कनेक्ट करके देखेंगे ये दोबारा कनेक्ट लेता है कि नहीं। फिर से कनेक्ट किया, और तो अभी जो हीटिंग इशू था पहले वो हीटिंग इशू चला गया, तो अभी भी लिया नहीं, तो वेट करो थोड़ा सा। हाँ ले लिया, तो देखो ये देखो एक नया ड्राइव ओपन हो चुका है, न्यू वॉल्यूम पी, मतलब ये देखो न्यू वॉल्यूम पी आ चुका है, कितना GB है ये, 894 GB है, 894 GB है, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल रिपेयर हो चुका है मेरे ख्याल से। तो देखो बेसिकली मुझे लगा था के हीट हो रहा है, अभी तो देखो IC जो है इसका हीटिंग चला गया है, अभी ये जो है ये जो माइक्रो प्रोसेसर था, ये माइक्रो चिप था, ये इसका जो हीटिंग था ये चला गया, अभी इसमें हीटिंग नहीं है। तो पहले हीट हो रहा था तो मैंने सोचा कि लगभग आसपास में कोई कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट होने से ऐसा होता है, इसलिए मैंने रिक्स लेके खोला इसको, तो
तो जब मैंने शॉर्टिंग मुझे नहीं मिला, कहीं पर भी मुझे शॉर्टिंग नहीं मिला, तब जाके मैंने देखा तो ये थोड़ा सा हीट हो रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई हीट कर दिया। ड्राई हीट करने से क्या हुआ, तो देखो इसके नीचे जो है आपको दिखेगा सारा बॉल्स है, ये जो सारा ये बॉलिंग ऐसी है, तो कहीं पर भी एक बॉल का इशू हो रहा था जो कि सॉल्व हो गया। तो अभी इसे लगा के फिक्स करना है, तो ऐसा काम अगर करो तो लगभग 2000 आपका इसका चार्ज होना चाहिए। अगर आप कभी भी करो तो कितना चार्ज करोगे, तो ऐसा काम अगर आप करो सक्सेसफुल रिपेयर हो जाता है तो लगभग 2000 इसका चार्ज करना, ठीक है, कम नहीं करना। क्योंकि मैं जब भी कोई नया सब्जेक्ट पेश कर मतलब अपलोड करता हूँ वीडियो, तब से वही आ जाता है। तो अभी लगभग कुछ दिन चलेगा ये, अभी SSD आना चालू होगा कुरियर में, तो मैं इसीलिए नया कुछ वीडियो डालता नहीं हूँ, जो भी डालता हूँ उसका कुरियर आ जाता है, मतलब फोर्स करता है लोग, मतलब कर दो मेरा एक है, तो ये सबका प्यार है, इसमें मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो मैं जो रिसीव करना चाहता हूँ मैं बोल देता हूँ कुरियर करो, बाकी मैं बोल देता हूँ नहीं करो। तो चलो सक्सेसफुल रिपेयर हो चुका है, अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक करके जाओ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।